एवरीवन, वेलकम टू एमिनेंस क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्लस वन क्लास का टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो क्या था पहले लेक्चर में जब हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि मोल्स निकाले। मोल्स क्या था, नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में, उसको हम क्या कह देते थे, मोल बोल देते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तो हमने निकाली नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ एटम्स, कई बार क्या होता है कि हमें जो होता है परसेंटेज में चाहिए होती है। हमें एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स की जगह, नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह हमें क्या, जो कंपाउंड है वो क्या चाहिए, वो परसेंटेज में चाहिए होता है, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है, मतलब हमें बोल दिया जाए कि हमें कोई कंपाउंड देके बोला जाए कि इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और किस परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, ठीक है। या फिर क्या कर दिया जाए कि हमें कोई नॉन कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे लैब में अक्सर होता है कि हमें कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, मतलब कि क्या इसमें उतनी ही परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जितने हमारे पास एक प्योर कंपाउंड में होते हैं। मतलब पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो हमारा कंपाउंड कौन सा है, और उसके बाद हमें क्या बताना है कि वो जो कंपाउंड प्योर कंपाउंड से रिलेटेड है, तो प्योर कंपाउंड में जितनी परसेंटेज है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, उतनी ही क्या अननोन कंपाउंड में भी है। तो ये सब चीजें हम लोग किससे पता लगाते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम क्या पता लगा सकते हैं, प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड, कि हमारे पास अगर अननोन कंपाउंड है और एक प्योर कंपाउंड दिया हुआ है, तो हम उन दोनों की परसेंटेज को रिलेट करके बता सकते हैं कि ये वाला प्योर कंपाउंड तो हमें पता है कि एकदम प्योर है, इम्प्योर कंपाउंड बता सकते हैं कि वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले जानते हैं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन है क्या। तो क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट इन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कि पूरा हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उसका टोटल मास जो है, उसमें से जो एक एलिमेंट का मास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर में क्या है, H2O और O है। तो मान लो O का जो मास है डिवाइडेड बाय H2O का मास इनटू में क्या हो जाएगा, 100। समझे कि हमारे पास क्या है, H2O क्या है, कोई कंपाउंड है, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का एलिमेंट मास, मतलब कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, वाटर, तो मतलब O2 बाय H2O जो मास होगा उसका इनटू में 100, क्योंकि क्या हम निकालना है, परसेंटेज। इट इज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट इन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। तो हाँ, हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, जिसका भी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या H2O का हमने लिया एग्जांपल लिया। तो देखिए H2O हमारे पास कैसे बनता है, H2 प्लस हाफ O2 क्या बन जाता है हमारे पास, H2O, मतलब कि दो हाइड्रोजन लेंगे और हम एक ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। अगर हम निकाले अब परसेंटेज कंपोजिशन किसकी, H2 की, इसमें H2 हमारा कितने परसेंट में प्रेजेंट है H2O में, ऑफ H2 क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट H2 का निकालना है, तो H2 का मास करेंगे, H2 का मास हमारे पास क्या होता है, 1.008, और दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास हमारे पास देखिए कैसे निकलेगा, टोटल मास क्या है हमारे पास, H2O का, H2O का देखिए टोटल मास क्या हो जाएगा हमारे पास, H2O पहले तो हमारे पास क्या होता है, 2 × 1008 प्लस, और O का कितना होता है, 16, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0.2 + 16, तो हमारे पास क्या आ गया, 1.6 को हम क्या कर सकते हैं, 18.02 कर दिया हमने, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 18.02 इसका मास आ गया। तो अब हमारे पास टोटल वाटर का कंपाउंड का कितना गया, 18.02 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.14% आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने परसेंट कंपोजिशन निकालना हो किसका,
ऑफ O2। O2 का निकालना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ O2 है। O2 का एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हाफ O2 प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास टोटल क्या है 18.02 × 100, तो ये तो कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 88.79 आ जाएगा। और वैसे अगर हम देखना चाहें तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल है वो क्या है 100% ही होता है। अगर एक एलिमेंट का हमारे पास 11.14 आ गया, तो दूसरे का ऑब्वियसली अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे वाले एलिमेंट का अपने आप से आ जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब एक का अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दूसरे को अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम आगे किस किस चीजों में यूज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है इम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज इम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि आगे हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूलेस तो पढ़ते हो आप कंपाउंड्स के, वो फॉर्मूला निकालने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्या निकाल सकते हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला, और इम्पिरिकल फॉर्मूला से हम आगे क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है। इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मल हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता है, परसेंटेज पता है उसी की, तो हमने क्या करना है सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे, हर एलिमेंट की आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे। रेशियो तो निकालने हम सीखते हैं ना, 6th, 7th, 8th में सीखते हैं मैथ्स में, कि हमने क्या किया तीनों का रेशियो निकाला, तीनों या दोनों मतलब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में उनका क्या किया रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाल के जो आया उसका वो हमारे पास क्या हो जाता है इम्पिरिकल फॉर्मूला। तो समझिए क्या है, इट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो है किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब ये क्या है हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे जो प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, जो एलिमेंट्स है हमारे मतलब जो हमने लिया H2O में क्या था H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है, कितने नंबर में हमारे पास प्रेजेंट है, तो वो उसका क्या हो जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम स्टेप वाइज लिखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर हमारे पास क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी हुई हुई है किसी चीज की, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसका होल नंबर रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो आ गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए क्या कि अगर हमारे पास क्या है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप लिख लीजिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास मोलर मास भी गिवन हो, क्या हो हमें मोलर मास बता रखा हो कंपाउंड का, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को निकालने के। तो अब हमने क्या नोट डाउन करने हैं कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी है, तो हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होंगे इम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेप्स पहले से ही, देखिए स्टेप्स टू फाइंड इम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो क्या है कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम। सबसे पहले क्या है परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए। अब ये देखिए कैसे करते हैं, वैसे तो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ आ जाएगा, पर यहाँ से भी समझ लीजिए मास परसेंटेज इनटू ग्राम, मतलब आपको क्या दिया हुआ है 20% ऑफ ए दिया हुआ है किसी कंपाउंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको क्या कर देते हैं 20/100 कर देते हैं, परसेंट का 100 लगा के तो हमारे पास क्या आ गया 0.2 ग्राम। ऐसे करते हैं हम ग्राम में कन्वर्ट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि हमारे पास 20% ऑफ ए दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं 0.2 ग्राम हमारे पास क्या है ए प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेप कन्वर्ट द ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या है ग्राम्स जो है हमारे उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। ये आपको पहले से याद है कि मैंने मोल कंसेप्ट में बताया था कि हमारे पास क्या होता है मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग,
मास मतलब गिवन मास, मतलब ये जो हमने निकाला ये हमारा है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका था ये, ए का, तो हमने क्या करना है मोलर मास ऑफ वेट, ये हमारे क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आया क्या, ग्राम्स को मोल्स में कैसे करते हैं कि जो गिवन मास है हमारा 0.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ए जो कंपाउंड होगा उसके अकॉर्डिंग हम मोलर मास बता सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज में हमने क्या किया था, H2O का मोलर मास दिया था कितना 18.04 ग्राम या जो भी था 0.6, तो हमारे पास ए है तो मोलर मास ऑफ ए लेना है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब जो नंबर ऑफ मोल्स आए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो तीन एलिमेंट्स हैं, एक का दो आ गए नंबर ऑफ मोल्स, एक के चार आ गए, एक के छह आ गए, तो इनका आपस में क्या लेना है हमें रेशियो लेना है, रेशियो तो ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल। अब उसने क्या कहा कि हमारे पास क्या किया, हमने इसका रेशियो निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया 1, 2, 3 आ गया। ठीक है, और हमारे पास कुछ था ए बी सी था, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंबल क्या है इसका, मान लो ए है तो ए के आगे हमने लगा देना है 1, बी है इसका तो इसके आगे हमने क्या लगा देना है 2, और सी है तो इसके आगे क्या लगा देना है 3। क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो रेशियो आया वो जो रेशियो से जो नंबर आए वो हमने सिंबल के आगे डिनोट कर देने हैं, ये जहाँ पे 1, 2, 3 का मतलब ऐसे लाइन वाइज नहीं लिखना है, ये हमारे क्या है जो रेशियो के बाद कैलकुलेट करके नंबर आए, वो आपका 4, 5 या 2, 0, 1 कुछ भी आ सकता है, वो जो रेशियो हम निकालेंगे मोल्स का उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबर मेंशन करने हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम्स में। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे ग्राम्स में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, मोल्स में कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स को, वो हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास करते तो हमारे पास क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ मोल्स जिस जिस एलिमेंट के आए उनका आपस में क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद जो हमारे पास बच आया, जो 1, 2, 3 या जो भी हमारे पास नंबर्स आए, उन नंबर्स को सिंबल के आगे लिख देना है। ठीक है, जो जो सिंबल्स थे उनके, उन सिंबल्स के आगे हमने लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या था, एड द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हमने क्या करना है, मान लो हमारे पास क्या आया A1, B2, C3। अब इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, मतलब कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि हमारे पास आ गया CH2Cl आ गया। ठीक है, तो C का मास, H2 का मास, Cl का मास आपस में ऐड करके ऐड कर लेना है, और क्या करना है, एंड डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और हमने क्या करना है, जो हमारा मोलर मास होगा उस कंपाउंड का, उसको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एक डिजिट आ जाएगा, उस डिजिट को जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, एग्जांपल के बेस पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे परसेंटेज कंपोजिशन को डायरेक्टली एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98.96, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हमें क्या दिया हुआ है, वही मास परसेंटेज दी हुई, आपको बोला था मास परसेंटेज दी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 4.07 ग्राम। देखिए अब यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसको टोटल करेंगे तो मास परसेंटेज हमारा 100 में से आ रहा है, तो हम टोटली क्या मान लेते हैं उसको 100 ग्राम में से मान लेंगे। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 10 ग्राम में से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, सॉरी 1 ग्राम में से आ जाएगा डिवाइड बाय 100 किया तो। अब हमने इसको डायरेक्टली क्या मान लिया, 100 ग्राम में से मान लिया, वो भी गलत नहीं, हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो पर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाता है 1 ग्राम में से आ जाता है। तो अब हमने इसको टोटली क्या मान लिया, 100 ग्राम में से, तो जितना परसेंट है उतने ही ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ऐसे ही कार्बन है हमारे पास,
कितना हो गया 24.27 ग्राम। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन क्या हो गया हमारे पास 71.65 ग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, क्या होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4.07। और मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1.008। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये भी ग्राम में है हमारे पास, ये क्या है ग्राम पर मोल में है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 4.04 क्या मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, कार्बन के, कार्बन का मास क्या है गिवन 24.27 ग्राम। और हमारे पास क्या होता है कार्बन का 12 होता है 12 ग्राम, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.21 मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, क्लोरीन के, सीएल के, तो क्या है इसका गिवन मास क्या है 71.65 ग्राम डिवाइडेड बाय क्लोरीन का हमारे पास मास होता है 35.5 ग्राम पर मोल होता है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाता है 2.201 मोल। ठीक है, यहाँ से आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ये क्या था नंबर ऑफ ग्राम्स में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या था, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका रेशियो निकाल लो डायरेक्ट, रेशियो अगर हम निकाले तो क्या आ गया 4.04 रेशियो 2021, यहाँ भी क्या था 2.21 है हमारे पास। ठीक है, अब इसका रेशियो अगर हमने किया तो मान लो इसको ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 पे जा रहा है 1 1, और ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या है 2 पे, हमें होल नंबर रेशियो चाहिए तो हम अप्रोक्सीमेटली करके क्या कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 2:1:1 आ जाएगा हमारा इसका रेशियो, कैसे हमने डायरेक्ट काट दिया 202 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी 1 पे कट गया और ये हमारे पास किस पे कट जाएगा 2 पे कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप देखिए हमारा ध्यान से क्या था, सिंबल लिखिए कार्बन का, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है हमारे पास H, कार्बन का क्या होता है C और क्लोरीन का क्या होता है Cl, तो अब उसके आगे हमने डायरेक्ट सिंबल लिख देने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, H हमारे पास क्या है C क्या है 1, क्लोरीन क्या है 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको हम अच्छे से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग CH2Cl, ये हमारा क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको रब करके कर देते हैं, हमने क्या निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या बोला हुआ था कि अगर आपके पास क्या हो मोलर मास दिया हो, हमें क्या दिया हो मोलर मास दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है स्टेप कौन सा हो गया 5th CH2Cl, तो C का हमारे पास क्या होता है 12, H2 का क्या होता है 2 × 1.008 होता है हमारे पास 8H का, और Cl का हमारे पास होता है 35.5 होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमारे पास कुछ आएगा 49.48 ग्राम आ जाएगा। तो स्टेप क्या था हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा नंबर आ जाएगा कुछ, रेशियो निकालना है किसका मोलिकुलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था हमारे पास 98.96, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या आ गया हमारे पास 49.48 ग्राम, और ये भी था क्या ग्राम में, तो ये कट के हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है,
अभी आ गया हमारे पास सिंपल नंबर क्या, टू। तो लास्ट स्टेप जो हमारे पास क्या था, लास्ट सिक्स स्टेप, कि अब ये जो नंबर आ गया इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है। तो मतलब हमने क्या कर देना है, टू मल्टीप्लाई सी एच टू सी एल। इसका मतलब ये नहीं है इसके आगे टू स्टाइक्योमेट्री लगा देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा, ये सी टू हो जाएगा, यहाँ एच का क्या हो जाएगा डबल सी एच फोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एल टू। तो एग्जैक्ट जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है इस कंपाउंड का क्या है, सी टू एच फोर सी एल टू। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया था कि हमने रेशो निकाला, रेशो के बाद हमने क्या निकाला, सिंबल्स के आगे डायरेक्ट जो हमारे पास स्टाइक्योमेट्री आ गई थी इसकी वो लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने क्या किया, मोलिकुलर फॉर्मूला को इम्पीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक नंबर आ गया, उस नंबर को हमने लास्ट में क्या किया, इम्पीरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक परसेंटेज कंपोजिशन से मोलिकुलर फॉर्मूला से लेके इम्पीरिकल फॉर्मूला तक निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।